ज़ायरा वसीम। स्क्रीन पर लिखा ये नाम 23 दिसंबर 2016 की तारीख से हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। दरअसल इसी दिन आमिर खान की फिल्म दंगल रिलीज हुई थी। दंगल रिलीज होते ही हर तरफ फिल्म के साथ साथ ज़ायरा वसीम के नाम का भी डंका बज गया था। हर तरफ इस छोटी सी बच्ची के एक्टिंग टैलेंट की चर्चा होने लगी। एक झटके में ज़ायरा वसीम पूरी इंडस्ट्री की फेवरेट बन गई। उस वक्त बाहर से हंसती मुस्कुराती ज़ायरा को देखकर लगता था कि इससे ज्यादा खुश मिजाज और खुश नसीब बच्ची कोई दूसरी होगी ही नहीं। लेकिन असल में ज़ायरा के डिप्रेशन का दौर दंगल की रिलीज से करीब 2 साल पहले ही यानी कि साल 2014 में ही शुरू हो चुका था और इसकी शुरुआत हुई थी इस वीडियो से। ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं वो ज़ायरा वसीम का पहला ऑडिशन वीडियो है। ये वीडियो इंडस्ट्री के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की कंपनी ने उस समय शूट किया था जब उनकी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में दंगल की बच्चियों के लिए सर्च कैंपेन चला रही थी। हजारों बच्चियों के बीच से ज़ायरा वसीम को गीता फोगाट के बचपन के रोल के लिए चुना गया। आप खुद देखिए और सुनिए कि ज़ायरा उस वक्त कितनी मासूम और भोली सी थी। क्या नाम आपका? ज़ायरा वसीम। ज़ायरा, अपने बारे में बताएं, कितने साल की हैं, क्या कर रही हैं? मैं 14 ईयर्स की हूँ, कश्मीर से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, 9th क्लास में हूँ। लेकिन इंडस्ट्री में एंट्री के साथ ही पल पल ज़ायरा में बदलाव आता गया। इंडस्ट्री का ग्लैमर, यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी और काम करने का एक अजीबोगरीब प्रेशर ज़ायरा वसीम पर भारी पड़ता गया। ज़ायरा खुद ये बात अपने एक साल पुराने पोस्ट में भी मान चुकी हैं कि इंडस्ट्री में एंट्री के साथ ही उनमें डिप्रेशन की शुरुआत हो गई थी। ज़ायरा ने इस इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि वो पिछले 4 साल से डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन को दूर करने के लिए दवाइयाँ भी खा रही हैं। दंगल में काम करके ज़ायरा वसीम को खूब सारी शोहरत तो मिली, लेकिन शायद उनका मासूम मन इतने सारे प्रेशर को एक साथ हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था। दंगल से पहले तक ज़ायरा एक आम सी लड़की थी, लेकिन दंगल के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन चुकी थी। आमिर ने उन्हें लेकर अपनी अगली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार भी अनाउंस कर दी थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब आमिर किसी फिल्म में साइड रोल कर रहे थे और ज़ायरा वसीम उस फिल्म में मेन लीड थी। सीक्रेट सुपरस्टार से ज़ायरा की मशहूरियत और बढ़ी, लेकिन उसके साथ ही उनकी परेशानियां भी और बढ़ने लगी। ज़ायरा एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगी। उन्हें बॉलीवुड की दुनिया से चिढ़ होने लगी थी। कश्मीर के कुछ रिग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए ट्रोल भी करने लगे थे। ये सारे हालात कुल मिलाकर के ज़ायरा के इर्द गिर्द घुटन और बढ़ाते जा रही थी। ज़ायरा को फिल्मों के नए नए कॉन्ट्रैक्ट तो मिल रहे थे, लेकिन वो इतनी सारी कामयाबी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इस बीच उन पर अटेंशन सीकर होने के आरोप भी लगे जब उन्होंने फ्लाइट में एक आदमी के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया। वक्त बीतता गया और ज़ायरा वसीम लगातार अपने डिप्रेशन से टकराती रही और अब ठीक 5 साल बाद ज़ायरा ने इस ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। ज़ायरा ने अपनी आखिरी फिल्म द स्काई इज़ पिंक की शूटिंग पूरी कर ली है और उनका कहना है कि अब वो अल्लाह के रास्ते पर अपना वक्त बिताना चाहती हैं। ज़ायरा के इस डिसीजन पर लोगों की अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है, लेकिन सबको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पिछले 5 सालों से ये बच्ची जिस तरह के प्रेशर को झेल रही थी उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। ज़ायरा के इस सफ़र और उनके इस डिसीजन पर आप क्या कहते हैं, ज़रूर बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।